फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। ओके, तो ये है जी पूरा का पूरा पोटैटो फार्म हाउस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। फिलहाल ये एक ढांचा सा है, मेटल का शायद, मेटल का ढांचा है। एक शेड इधर भी बना हुआ है, ये उस वाले से थोड़ा सा बड़ा साइज़ में। सच मानो तो यहाँ मेरे सिवाय कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। छः अप्रैल 2024 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में और जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो कि आप वीडियो में आगे देखने वाले हो, लेकिन तब तक थोड़ा सफ़र का आनंद भी ले, क्योंकि कहते हैं मंजिलों से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं रास्ते। ओके, तो पहुंच गए जी कुफरी, बिल्कुल खाली खाली, नो टूरिस्ट। वैसे इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता था, लेकिन आज बिल्कुल नहीं है, एकदम खाली खाली सा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, कि शिमला में टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या बात हो गई, क्या बात हो गई भैया, क्या बात हो गई। ये शुरू होता है व्यू, माय गुडनेस क्या बात है, क्या बात है। सर्दियों में स्नोफॉल के दौरान जो नज़ारे मैंने आपको दिखाए थे यहाँ से, उसके कुछ और ही मज़े थे और इस वक्त की कुछ और ही मज़े हैं। तो जी सामने से कटते हैं दो रास्ते, इस बार मुझे जाना है आगे की ओर। यहाँ से आगे आ जाता है फन वर्ल्ड। कुफरी पहुँच कर अब कुछ ठंड सा फील हो रहा है, तो फिलहाल आसमान में बादल आ चुके हैं और अब बन चुका है कुछ शेडी शेडी। अब कुछ ठंड सा लग रहा है, मैं ग्लव लेकर नहीं आया हूँ तो अब हाथों में लग रहे हैं ठंड। तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम हिमाचल की क्या कंडीशन है, किस तरह का वेदर है। तो सामने आ जाते हैं गलू माता जी का मंदिर, और आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, वो इलाका माता की आंचन में ही आता है। गलू, गलू कहते हैं, जय माँ गलू, जय माँ। तो ये पूरा इलाका जो है गलू कहलाता है, गलू। तो सामने ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं फन वर्ल्ड। तकरीबन 12 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां से नेशनल हाईवे को छोड़कर अब मुझे जाना था ऊपर की तरफ। तो फिलहाल मैं हूं कुफरी से थोड़ा सा आगे, इस तरह के कुछ इलाके हैं, ऊपर है फन वर्ल्ड। तो यहाँ से होते हुए मैं फ़िलहाल आया हूँ कुफरी से, और ये रास्ता आगे की ओर जाता है स्पीति के लिए, सांगला के लिए, किन्नौर के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ फन वर्ल्ड से सीधा ऊपर की तरफ। ये राइट साइड ऊपर की तरफ कच्ची सड़क जाती है, देखते हैं कि ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो काफ़ी टूरिस्ट मैंने सुना कि यहाँ से ऊपर जाते हैं, अब देखते हैं कि जगह वर्थफुल है या नहीं। तो चलते हैं ऊपर की ओर।
तो फाइनली मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पर यहां एक मंदिर का गेट सा बना हुआ है। कहते हैं कि ऊपर कोई मंदिर है, गेट लगा हुआ है। तो मैंने यहां से आगे जाना सही नहीं समझा, लेकिन किसी से पूछा तो पता चला कि मंदिर के लिए रास्ता आगे से भी है। ये एक पॉइंट सा है, चौक सा बना हुआ है। यहाँ एक गाड़ी शायद चलता फिरता कोई रेस्टोरेंट है, गाड़ी का बनाया हुआ, तो खैर आज बंद है। कहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ से आगे भी मूव करता है, तो चलते हैं फिर यहाँ से आगे की ओर, शायद आगे कुछ देखने को मिल जाए। कुछ देर और सफ़र करने के बाद मैं पहुँचा शिमला का मशहूर टूरिस्ट पॉइंट फागू के टॉप पॉइंट पर। और राइट, तो पहुँच चुका हूँ फागू नाम के स्टेशन के टॉप पॉइंट पर। यहाँ पर स्नो रिट्रीट नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप अपना खाने पीना वगैरह कर सकते हो। और इसी के साथ ही यहाँ से इस तरफ से कहते हैं कि बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है, लेकिन फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ यहाँ से ऊपर। यहाँ से ऊपर कहते हैं कि एक मंदिर है, और वहाँ से भी कहते हैं कि बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है। तो लेट्स स्टार्ट। कुफरी जब आप क्रॉस करते हैं, कुफरी को क्रॉस करने के बाद एक स्टेशन आ जाता है फागू। उसी पॉइंट के ठीक टॉप पर मैं हूँ, और थोड़ा टॉप और भी बाकी रह जाता है, तो वहाँ तक चलने की कोशिश करते हैं। इस तरह के रास्ते हैं मंदिर के लिए, बिल्कुल शांत शांत सा माहौल। इक्का दुक्का लोग पहुँचे हुए यहाँ पर, नीचे देखे मैंने। तो फिलहाल आज पहली बार शिमला में रहने के बावजूद, यहाँ का निवासी होने के बावजूद, मैं पहली बार इन रास्तों से गुजर रहा हूँ ज़िगज़ैग होता हुआ। तो ये तो 100% श्योर है कि ऊपर पहुंचकर जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो अल्टीमेट होंगे, अल्टीमेट फन वर्ल्ड। से यहाँ फागू टॉप तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो कच्ची सड़क है, लेकिन हर गाड़ी यहाँ पर आ सकता है। मैं बस और ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा चाहे आपके पास जो मर्ज़ी गाड़ियाँ हो वो यहाँ आ सकती है। और मैं अपने खटारा से टू व्हीलर पर आया हुआ हूँ। तो धूप लगी है, थोड़ा स्पेक्स डाल लेते हैं। तो बहुत दिनों बाद आज चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, एक मंदिर की चढ़ाई। अभी आने वाले कुछ एक वीडियो में मैं आपको ट्रैक करता हुआ नज़र आऊँगा। उन जगहों की तरफ जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं स्टार्टिंग के दौरान जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो उस वक्त उन जगहों पे मैं गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस चैनल से जुड़ चुके हैं, उन्होंने शायद वो वाले नज़ारे ना देखे हो। एक बार फिर से मैं उन सभी जगहों को जहाँ जहाँ पर मैं गया था उन्हें रिपीट करने वाला हूँ। और जो व्यूवर्स पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है कि जिस जगह पर हम जाते हैं अगर हम दोबारा वहाँ जाएं तो जगहों के जो नज़ारे हैं वो कुछ चेंज हो जाते हैं, नज़ारे हमेशा वैसे नहीं रहते हैं। तो हो सकता है कि इस बार उससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे वहाँ देखने को मिले। फ़िलहाल थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इस तरह को कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ नीचे आलू की खेती होती है, तो चलते हैं जी थोड़ा सा और ऊपर। जब कई दिनों बाद चढ़ाई चढ़ने वाला वो हिसाब किताब जब हो जाता है तो सांस ही फूलने लगती है। लेकिन इस सांस फूलने को आप गलत ना समझें, सांस फूलना बहुत ही अच्छी बात है। होता क्या है कि जब हमारी सांसें फूलती है तो हम ज़ोर ज़ोर से हाँफते हैं। हाँफने से क्या हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारे सभी लंग्स, लीवर, हार्ट और किडनी, इन सभी को एक फ्रेश हवा मिल पाता है, यानी कि फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है कि हम हाँफते हैं। हाँफने के लिए क्या करना होगा, हमें एक चढ़ाई चढ़नी होगी जिस तरह से मैं चढ़ रहा हूँ। सच में आज सांसें फूल रही है। एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे सिवा कोई नहीं है, पीछे भी और इधर भी। जहाँ जहाँ पर मैं जाता हूँ ना जाने क्यों वहाँ मेरे सिवा कोई होता ही नहीं है, ये पता नहीं क्या बात है। तो चढ़ाई चढ़ते हुए
मैं सामने की ओर देख रहा हूँ कि मंदिर पहुँचने ही वाला है। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, वो काफ़ी पुराने शैली का है ऐसा लग रहा है मुझे। वो सामने पहुँच कर ही पता चलेगा कि कैसा है। यहाँ एक ग्राउंड सा है, शायद जब नवरात्रे होते होंगे या फिर ऐसा कोई पूजा से संबंधित कार्य होते होंगे तो यहाँ पर बकायदा एक टेंट लगती होगी। फिलहाल ये एक ढांचा सा है, मेटल का, शायद मेटल का ढांचा है। इसके ऊपर तिरपाल लगाकर फिर शायद इसके नीचे भंडारे दिए जाते होंगे या फिर हो सकता है कि कुछ अनुष्ठान वगैरह किए जाते होंगे। यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है वो अल्टीमेट है। ओहो, अरे वहाँ नीचे तो तालाब भी था एक। फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आसपास के जगहों पे नज़र दौड़ाएंगे। का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर मंदिर का एक पूरा इतिहास जो है वो लिखा हुआ है। घंटे वाली तार है, देखिए कहीं मेरे कपड़े ना फटे। ये आलू के खेत, फिलहाल अभी कुछ भी बीजा नहीं है, तो चलते पहले यहाँ से परे। ओ भाई साहब, यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है ना, उफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल, क्या वाई वारी यार यहाँ से, उफ क्या नज़ारे हैं। सामने फिलहाल बादल है क्योंकि सुबह मौसम ख़राब था, वरना यहाँ से हिमालय के पूरे चोटी नज़र आते हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद। फिलहाल बादल होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जब कभी आप शिमला आते हैं तो फागू ज़रूर आए, और अगर फागू पहुँच गए तो माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। यहाँ पर काली माता जी विराजमान है, शिव शंकर भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं, और साथ में अपने बजरंगबली जी की प्रतिमा भी यहाँ पर है। आप आ सकते हैं, और गंदगी का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे कि आप किसी जगह पर जाते हो तो वहाँ कुछ खाना पीना आपका हो जाता है, खाने पीने के साथ साथ वो जो आपको कूड़ा बनता है उसे साथ लेकर जाएं। तो आज आपको खेतों की सैर करवाई जा रही है, खेतों की सैर। आपके आसपास भी कई खेत होंगे, लेकिन इस तरह के खेत शायद ना हो, ढलानदार खेत, सीढ़ीनुमा खेत। इस तरह के खेत पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर एक दीवार से लगाकर एक शेड से बना हुआ है, क्या चीज़ हो सकता है, चलकर देखें, आगे से देखते हैं ये क्या चीज़ हो सकता है, क्या चीज़ है ये। यहाँ पर चादर से बिछा हुआ है, अंदर एक चूल्हा सा बना हुआ है, शायद रात के वक्त यहाँ जानवर सोते होंगे या कुछ, या फिर हो सकता है कि जब यहाँ पर आलू की खेती की जाती हो उस वक्त अचानक से अगर मौसम ख़राब हो जाए तो शायद जो लेबर्स हैं वो इसके अंदर रुकते होंगे। एक शेड इधर भी बना हुआ है, ये उस वाले से थोड़ा सा बड़ा साइज़ में, शायद ये भी उसी लिए बनाया गया है कि ताकि लेबर यहाँ रुके। तो इसे बनाया गया है जी 1978 का बना हुआ ये, तभी इसके हालात जो है थोड़े से खस्ते हैं, लेकिन है सीमेंटेड, दीवार जो है तकरीबन 2.5 फीट चौड़ी है। ओके, तो ये है जी पूरा का पूरा पोटैटो फार्म हाउस, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। तो अब चलते हैं उस तालाब की ओर।
तो उस तालाब के पास जाने के लिए हमें जाना होगा यहाँ से आगे की ओर। आज चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि बादल ही बादल हैं, वरना यहाँ से जो नज़ारे नज़र आने वाले थे ना वो बहुत ही खूबसूरत आने वाले थे। लेकिन क्या है कि सुबह काफ़ी ठंड थी, सो ऐसे में क्या होता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल हो जाता है, तो जहाँ स्नोफॉल होगा उसके बाद बादलों का उठना नेचुरल सी बात है, ऐसा होता है, बादल उठते हैं। तो फिलहाल मैं मेरे इस तरफ भी दोनों तरफ आलू के खेत हैं, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे यहाँ पर आलू की खेती की जाती होगी। तो सामने आ जाते हैं वो वाले तालाब जो कि मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। तालाब के अंदर लोगों ने खाली बोतलें फेंक रखे हैं, डिस्पोजल बोतलें, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। सामने चलकर देखता हूँ कि इसमें कहीं मछलियाँ तो नहीं है। मेरा सोचना गलत था, मैंने सोचा कि इस तालाब में मछलियाँ नहीं होगी, लेकिन मछलियाँ हैं, छोटे छोटे से काले काले बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब ये मछलियाँ खुद ब खुद पैदा हुई है या फिर यहाँ मछलियों के अंडे फेंके गए हैं ये बात अलग है, लेकिन मछलियाँ हैं, छोटे छोटे मछलियाँ। तो फिलहाल तो इस तरफ है जी खेती, खेत आलू के, और ये तालाब सा, इधर को पोटैटो फार्म सेंटर, नीचे कुछ एक शायद सरकारी विश्राम गृह लग रहे हैं मुझे, वो भी है। तो अब चलते हैं जी आगे की तरफ जहाँ पर मेरी बसंती खड़ी है। ओके, तो यहाँ पहुँचकर आज काफ़ी अच्छा लगा, सच मानो तो यहाँ मेरे सिवाय कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। यहाँ सभी जगह आलू की खेती की जाती है बहुत बड़े पैमाने पे। यहाँ से हिमालय के क्षेत्र नज़र आते हैं, लेकिन आज बादल होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये था फागु टॉप, तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। ओके दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लोकेशन पे, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए जहाँ रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें।